आज हम कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान की प्रथम पुस्तक में पहला पाठ पढ़ेंगे, भारत आकार और स्थिति। भारत का आकार और स्थिति के बारे में इस अध्याय में हम जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं हम स्थिति को लेकर कि भारत की स्थिति किस प्रकार की है। तो हम देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। तो यहाँ देखो, भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 उत्तर अक्षांश और 67.7 से 97.25 देशांतर तक है। कर्क रेखा का जो 23.30 उत्तर से ये देश का यानी कि कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है और ये इस देश को दो भागों में विभाजित करती है। जो इसकी समय को ज्ञात करने वाली रेखा है वह उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई और हमारे देश का मानक समय निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति 8.4 उत्तर से और 37.6 अक्षांश है और 68.7 से 97.25 तक देशांतर विस्तार भारत का है। जो कर्क रेखा है 23.30 डिग्री वह भारत को दो भागों में विभाजित करती है। आकार की दृष्टि से यदि हम हमारे भारत को जानने का प्रयास करें तो हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये हमारे देश का क्षेत्रफल है और ये कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। अगर हमारे देश की सीमाओं की बात करें हम, ये विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सीमाओं की बात करें तो तल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर के आसपास है। भारत के उत्तर पश्चिम में जो सीमा है वहाँ नवीन पर्वतीय यानी कि हिमालय पर्वत विशाल पर्वत है जो उत्तर की ओर स्थित है और ये हमारे देश का प्रहरी का काम करता है। हमारा देश की जो देशांतर सीमा 82.30 डिग्री है ये मानक समय यानी कि यहाँ से हमारे देश का समय निर्धारित किया जाता है। क्योंकि हमारे देश की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है तो सूर्य उदय सूर्य अस्त के आधार पर समय का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इसलिए 82.30 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है इसको मानक मान्योत्तर माना जाता है यानी कि इससे समय का निर्धारण किया जाता है। इसके आसपास यदि हम देखें तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में मध्य स्थित है। भारत भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो पश्चिम से यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यूरोप में एशिया में भारत की स्थिति को ये दर्शाता है। इस मानचित्र के माध्यम से भारत की स्थिति हम देख सकते हैं। आप देखोगे ऊपर कश्मीर में है 37.6 और इधर नीचे अंतिम बिंदु है इसका 8.4। ये इसका अक्षांश विस्तार है और भारत की उत्तर से दक्षिण के मध्य जो कुल चौड़ाई है वह है 3,214 किलोमीटर। ये इसकी आप स्थिति देख सकते हैं। उसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर तो पश्चिम का अंतिम बिंदु 68.7 यहाँ से चलता है और इस प्रकार से पूर्व दिशा में ये 97.25 डिग्री के पास पहुँच गया। ये देशांतर विस्तार है इसका।
देशांतर विस्तार ये है, और इस प्रकार से भारत की चौड़ाई होगी 2933 किलोमीटर, जैसा मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसके पड़ोसी देशों का भी मूल्यांकन करें हम, तो आप देखोगे ये ऊपर वाला हिस्सा मानचित्र में, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है मानचित्र में, ये कहलाता है उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग की ओर देखोगे आप तो उत्तर से, और फिर पश्चिम की ओर, तो उत्तर पश्चिम की ओर हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, ये उत्तर पश्चिम की ओर है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो चीन, नेपाल, पूर्व दिशा की ओर भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे के सारे पूर्व दिशा की ओर है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में लक्षद्वीप है, और नीचे हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, और मालदीव भी इसमें स्थित है। इन मानचित्रों के माध्यम से हम हमारे देश की सारी स्थिति को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ये जलमार्ग इसमें दिए हुए हैं जो भारत के उपनिवेशों से सारे के सारे संबंध स्थापित करता है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम, तो आप देख रहे हो यहाँ कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये अभी परिवर्तन हुआ है, लेकिन पुस्तक में वही पुराना दिया हुआ है, ये तो अपने को यहाँ ध्यान देना है थोड़ा बहुत। 7 केंद्र शासित प्रदेश और 29 जो इस पुस्तक में बताया गया है। ज्ञात कीजिए पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करो। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, ये हम मानचित्र को देखकर अच्छी प्रकार से पता लगा सकते हैं। फिर आप देखोगे इसके पड़ोसी देशों की स्थिति, तो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, नक्शे में देखकर मैंने आपको बताया था, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमा मिलती है। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हमारे देश की सीमा मिलती है। इस मानचित्र के माध्यम से पड़ोसी देशों को आप और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों देश उत्तर और पश्चिम की ओर है। इधर देखोगे आप चीन, तिब्बत, ये पड़ोसी भूटान, नेपाल, ये सारे के सारे इस साइड पर है। पूर्व दिशा में देखोगे आप तो भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे के सारे इधर हैं। दक्षिण की ओर देखोगे आप तो श्रीलंका और ये मालदीव, ये दो देश दक्षिण की ओर है। पड़ोसी द्वीप, ये समुद्र में जो हमारे द्वीप समूह हैं उसमें देखो आप, नीचे जो दक्षिण में हमारे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में जो छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मंदार की खाड़ी कहलाता है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो ये क्षेत्र है थोड़ा बहुत, इसको हम मंदार की खाड़ी के नाम से कहते हैं, और इस समुद्री पाक जलसंधि के माध्यम से एक रास्ते का निर्माण करता है। मालदीप और लक्षद्वीप समूह दक्षिण में स्थित है, ये सारा दक्षिणी भाग में स्थित है। मालदीप भी यहाँ है और लक्षद्वीप समूह भी इस क्षेत्र में है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, और इस मानचित्र के माध्यम से हम अच्छी प्रकार से इन सबको समझ सकते हैं। इस मानचित्र में सारी स्थिति, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नीले ब्रैकेट में बताई गई है कि कहाँ कहाँ तक हमारे भारत का विस्तार है। इसमें जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्यों के नाम अच्छी प्रकार से इसमें दिए हुए हैं, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। पूरे राज्यों के नाम इसमें स्थित हैं। जो नीली सीमा है इसकी, वह समुद्री भाग है, पूरा का पूरा जल सीमा है ये पूरी की पूरी। जो इसकी ब्लैक क्षेत्र है, ये सारा का सारा थल सीमा है। हमने पढ़ा था कि थल सीमा और जल सीमा की लंबाई कितने हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश की एशिया महाद्वीप में, विश्व में स्थिति और विस्तार आकार किस प्रकार का है, इस संबंध में हमने जानने का प्रयास किया है। इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आपको शॉर्ट आंसर प्रश्न हैं, उनके बारे में जानकारी करनी है आपको, हल करना है। हल करके आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में इसको डालना है, तो आप देखोगे ये चार प्रश्न
ये चार प्रश्न हैं जो आपको हल करके और मेरे व्यक्तिगत जो व्हाट्सएप नंबर हैं उसमें हल करके बताने हैं, जिसका मूल्यांकन करके और समय अनुसार मैं आपको वितरित करूँगा। तो इस प्रकार से ये अध्याय आपके अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और इसका उत्तर आपको दे